गाइज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगला जो जोन है वो बनेगा नोवो में, तो क्या आप लोग मानोगे? शायद कुछ लोग मान ले, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगला जो ड्रॉप है वो पोचिंकी में गिरेगा और पोचिंकी के स्क्वाड हाउस पे गिरेगा और छत पे गिरेगा, तो क्या आप लोग मानोगे? बहुत मुश्किल होगा ये मानना कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन भाई जो नया अपडेट आया है ना पबजी मोबाइल का, उसने ये पॉसिबल कर दिया है। तो यार चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नए अपडेट में क्या खास है। तो गाइज नया अपडेट आ चुका है और चलो यार मैं स्पॉन आइलैंड पे सबसे पहले जाकर दिखाता हूँ। ये देखो मैंने क्लासिक मैच स्टार्ट करा स्पॉन आइलैंड पे, आपको ये हमारा थर्ड एनिवर्सरी का टेम्पल दिखाई देगा या फिर स्टेज दिखाई देगा या फिर क्या है बे सर्कस है, सर्कस दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी कहो बट भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पार्क दिखाई देगा, ठीक है पार्क सही रहेगा। और उसके बाद आपको तीन पावर मिलेगी और इन तीन पावर में तीन और पावर है, ठीक है। तो ये भी यार बहुत ही खास है, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ कि भाई साहब क्या क्या आया है इस अपडेट में। तो चलो यार प्लेन में जब आप लोग आओगे तो आपको मैप ओपन करना है। मैप ओपन करने के बाद आपको दो लोकेशन दिखाई देगी, एक यहाँ पर और दूसरा भी है यहीं पे। ये देखो यहाँ पर पोचिंकी के साइड में, तो ये हमारा पार्क का यानी कि थर्ड एनिवर्सरी पार्क यहाँ पर बना है। तो दो ही आपको, पहले देखो सेकेंड एनिवर्सरी में क्या था कि दो दो दिखाई देते थे, लेकिन यार अब तीन तीन दिखाई देते थे, लेकिन यार अब आपको दो ही दिखाई देगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ा पार्क है। वैसे गाइस एक पार्क आपको स्पॉन आइलैंड पे भी दिखाई देगा और यहाँ पर देखो सफ़ेद 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 जोकर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। बट सबसे पहले हम लोग थर्ड एनिवर्सरी पार्क पे उतरते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई उतर चुका है और ये देखो यार ये है हमारा पार्क। भाई साहब क्या ही बड़ा है, क्या ही सुंदर है भाई, मज़ा आ जाएगा यार। तो सबसे पहले यार यहाँ पर देखते हैं क्या है भाई, लाइटिंग हो रही है भाई, क्या ही अपडेट है भाई साहब, मज़ा आने वाला है। वैसे यहाँ पर देखो यार इतना बड़ा ये पार्क है तो क्या ही बोले यार। खैर यहाँ पर लूट की बात करें तो लूट मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं जब से उतर रहा हूँ भाई बहुत ही कम लूट है। लेकिन यार जब रियल में जब ये आएगा, यानी कि अभी तो आ गया अपडेट, तो काफ़ी ज़्यादा लूट ये लोग बढ़ा सकते हैं जब ज़्यादा बंदे आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, आपको दो चीज़ मिलेगा, एक गोल्डन कॉइन है जो कि क्लाउन का है यानी कि जोकर का है, और दूसरा चीज़ है कैसेट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत काम की है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये ड्रॉप देखो, यहाँ पर आने के बाद आपको एक ड्रॉप मिलेगा और ये जगह जगह पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक कैसेट मिलेगी और एक गन मिलेगी। ड्रॉप की गन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, तो खुश मत होना, ठीक है। बाकी यार यहाँ पर देखो म्यूजिक का कुछ है, तो आगे जाकर हम लोग म्यूजिक ऑन करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक ऑन करते हैं और म्यूजिक ऑन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखो यार 7 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा, 6 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा, चलते हैं भाई, मज़ा आने वाला है देखो। और आपको यार ये चीज़, ये गेम है, ठीक है। तो म्यूजिक बजेगा, आपको ये जो बॉक्स आएंगे आपके सामने मुंह पे, इनको निपटाना है। लेफ्ट साइड एक बटन आएगा फायर वाला, राइट साइड एक बटन आएगा, और आपको यार ये लगभग 1 मिनट तक खेलना है। 1 मिनट तक खेलने के बाद आपको इनाम मिलेगा अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा भाई एकदम ओपी खेला है, और ओपी का इनाम देखो क्या क्या मिलता है, एक एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग है, एक ग्रिप है, और देख लेते भाई एक कार 98 है, और एक 4x स्कोप है, और 7 की थोड़ी एमओ है, बस इतना ही है। बट बहुत है यार भाई, देखो जब आपके पास कुछ ना हो ना तो भाई बहुत कुछ रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लूट तो मिलते रहेगी, साथ में ये देखो यार यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक को। आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड म्यूजिक के लिए डीजे लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई नाच गाना कर लेना एक जब स्क्वाड मारो तो। तो यहाँ पर आप लोग गाना चेंज कर सकते हो। इसके अलावा पीछे साइड भी आपको जगह देखने को मिलेगी, तो पहले यार शायद ऐसा नहीं था, आज तो भाई बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। तो देखो यार ये यहाँ पर आपको पेटी भी दिखाई देगी, और पेटी में आपको पता ही है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। वैसे एक सिल्वर कॉइन भी है जो कि आपको काम देगा, उसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपके बात करूंगा। वैसे पीछे की साइड देखो तो यार उड़ने वाला उड़न खटोला है, तो भाई इसमें उड़ के जो मज़ा आता था ना भाई, 1 साल हो गए यार, सोचो सेकेंड एनिवर्सरी को 1 साल हो गए। तो उड़कर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमने एनिवर्सरी पार्क तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस जोकर वाले। देखो 20 मुंह आपको दिखाई दिए थे मैप के अंदर जोकर वाले, तो चलो यार दिखाता हूँ मैं आपको कि जोकर वाले मुंह का राज क्या है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी दुकान दिखाई देगी या फिर ठेला दिखाई देगा, जोकर का ठेला। अब ये जोकर का ठेला नहीं है, इसको इज्जत से बोलो जोकर की दुकान है, और ये भाई बहुत ही खास है और इसी से पूरा गेम पलटने वाला है। देखो सबसे पहले अपन एंट्री मारते हैं, और यहाँ पर अपनों को खर्च करने के लिए जो कॉइन मिल रहे थे ना गोल्डन और सिल्वर, वही लगेंगे। और यहाँ पर पहली शॉप में आपको देखो एक हेलमेट मिलेगा भाई, सब मिल जाएगा, मतलब भाई जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तुरंत मिलेगा, बस पैसा फेंको तमाशा देखो।
और उसके बाद ये तीन चीज मिलेगी जो कि पूरा गेम बदल देगी, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं शक्तियों के बारे में कि आपको क्या क्या शक्ति मिलने वाली है। तो गाइस स्पॉन आइलैंड पे आने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पहली शक्ति, दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति। अब इन तीनों की तीनों शक्तियों में तीन लेवल हैं, ठीक है, जिसमें पहला लेवल आपको पहले से ही दिया रहता है, यानी कि पहली शक्ति का पहला लेवल आपका पहले से ही अनलॉक रहेगा, बाकी दो शक्तियों को आपको अनलॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैसेट का यूज लगेगा। अब देखो कैसेट आपको जगह जगह मिलेगी गिरी पड़ी, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कैसेट आपको यूज करना है। और यहां पर देखो मैं लेवल 2 पे आ चुका हूं, मेरी शक्तियां कुछ बढ़ गई हैं, शक्तियां कुछ बढ़ नहीं गई है, लेवल 2 तक चली गई हैं। लेवल 3 पे भी अपग्रेड कर देता हूं, देखो फिर से मेरे को कैसेट मिला, लेवल 3 पे अपग्रेड कर देता हूं, ये देखो 5 सेकंड में हो जाता है सब कुछ टनाटन, ठीक है। तो अब मेरी जो पहली शक्ति है वो तीन लेवल तक अपग्रेड हो गई। अब पहला लेवल क्या कहता है कि आपको एक सोनिक स्कैन नाम की चीज़ मिलेगी जो कि स्कैन करती है। तो यहाँ पर देखो ग्रेनेड जैसा एक कुछ आया, उसको मैंने फेंका, अब फेंकने के बाद देखो एक रेडिएशन गई, स्कैन कर रहा है भाई कि बंदे कहाँ पे आए हैं। तो ये देखो दो के दो बॉट थे जो कि मेरे को स्पॉट हो गए, आराम से स्पॉट हो गए, ठीक है, और उनके ऊपर एक मार्क भी आ गया। तो यार ऐसा करके आप लोग लास्ट जोन में बंदे आसानी से स्पॉट कर सकते हो। तो मेरी अभी हेल्थ बार देखो लाल है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बंदे को मारता हूं, ये बॉट है, बॉट को मैंने मारा और देखो मेरी एचपी बढ़ गई, ठीक है, और डैमेज देता हूं, और डैमेज दिया, देखो बढ़ रही है। तो यार ये इसका फायदा है, ये लेवल 2 की मतलब आपकी जो शक्ति है उसको अगर आपने लेवल 2 पे कर रखा है तो आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी। अब लेवल 3 का क्या फायदा कि हल्का सा करंट लगता है, बंदे को हल्का सा करंट लगता है, लेकिन अभी यार यहां पर देखो ये खत्म हो चुका है, ना करंट लग रहा है ना मेरी हेल्थ बढ़ रही है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये कुछ टाइम के लिए ही रहता है, 20 सेकंड तक ही ये काम करता है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग पहली शक्ति का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको पहली शक्ति क्या है पता चल गया होगा। देखो पहला क्या है, सोनिक स्कैन पहला लेवल, कि भैया आप एक ग्रेनेड जैसा आपको एक चीज मिलेगा, फेंकोगे तो बंदे की लोकेशन आपको पता चल जाएगी, लाल लाल हो जाएंगे वो लोग। दूसरी लेवल पे इस शक्ति का क्या फायदा है कि भाई एचपी आपकी बढ़ेगी। तीसरे लेवल पे शक्ति अगर आप लोग कर दोगे तो हल्का सा बंदों को झटका लगेगा, करंट लगेगा, यानी कि हल्का सा डैमेज उनको ज्यादा पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो पहली पावर है उसके तीनों के तीनों लेवल समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी पावर के बारे में, ठीक है। तो वापस स्पॉन आइलैंड पे आता हूं और यहां पर देखो ऑप्शन है हमारा दूसरा वाला, म्यूजिक बैरियर। तो गाइस अब हमने दूसरी शक्ति सिलेक्ट कर ली है जिसका नाम है गार्जियन या फिर म्यूजिक बैरियर। म्यूजिक बैरियर इसका पहला लेवल जो कि पहले से अनलॉक रहता है, बाकी दो लेवल हम लोग को कैसेट का यूज करना है और अनलॉक करना है। तो देखो यार मेरे पास 5 कैसेट है, तो पहला लेवल हम लोग अपग्रेड करते हैं दूसरे लेवल के लिए, तो उसके लिए बस एक कैसेट लगेगी। ये देखो धन्य से हो गया लेवल 2 पे अपनी शक्ति, ठीक है। उसके बाद तीसरे लेवल पे अपग्रेड करने के लिए आपको 4 कैसेट लगेगी, तो वो भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगी पड़ी हुई, तो यार यूज कर लो, लेवल 3 अपना अनलॉक हो चुका है। अब बात करते हैं ये सारी की सारी शक्तियां क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो देखो अब पहला जो हमारा लेवल है वो क्या कहता है कि भाई आपको एक म्यूजिक बैरियर मिलेगा, दबाया बटन को और ये देखो बैरियर तैयार हो गया, यानी कि यार देखो एक कवच आपको मिलेगा जिससे कम डैमेज पड़ेगा, कम से कम डैमेज पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं पड़ेगा बट थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगर आपकी टीम इसके अंदर है, ओपन में फंसे हो, तो भाई यूज कर लो, कम डैमेज पड़ेगा। दूसरी शक्ति मतलब दूसरी शक्ति का दूसरा लेवल, यानी कि इसमें जो दूसरा लेवल है वो क्या कहता है कि भाई इसमें जो भी रहेगा ना उसका जो रिलोडिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब कि भाई आपके जो टीममेट अगर इसके अंदर फंसे हैं तो भाई रिलोड काफी फटाफट होगा, ठीक है। और इसमें देखो यार एक ऑप्शन आपको आएगा एनर्जी चार्ज, उस पर मैंने जब क्लिक किया तो देखो मेरी जो हेल्थ बार है वो भी फुल हो गई, देख रहे हो हेल्थ बार, यानी कि वो जो देखो ड्रिंक मारते थे ना लाल लाल लाइन आती उसको, ठीक है। तो यार ऐसा करके पहला लेवल क्या है भाई कि आपका जो एक आपके इर्द गिर्द एक चक्र बनेगा जिससे आपको कम डैमेज पड़ेगा, दूसरा कि भाई एनर्जी आपकी जो रहती है वो हाई हो जाएगी, यानी कि ड्रिंक मारने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ड्रिंक व्रिंक ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा यानी कि क्या है भैया, रिलोड स्पीड घट जाती है आपकी, मतलब कि भाई आपके पास M249 है, 7 सेकंड में 8 सेकंड में रिलोड होती है तो भाई वो 6 सेकंड में होगी, इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों लेवल दूसरी शक्ति के समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति के बारे में, ठीक है। और इसमें जो हमारा पहला लेवल है जिसका नाम है स्टिल्थ, तीसरी शक्ति है जिसका नाम है सर्वाइवर, और उसमें जो पहला लेवल है वो है स्टिल्थ जो कि पहले से अनलॉक रहेगा, बाकी के दो जो दो लेवल बचते हैं वो अपने को जाके मैच के अंदर अनलॉक करना है। और अनलॉक कैसे करना है आपको पता है, कैसेट यूज करो और धन्य से अनलॉक कर दो। तो यार मेरे पास सारी की सारी कैसेट मिल जाती हैं फटाफट,
तो मैंने 3 लेवल पे अपग्रेड कर दिया है। तो देखो यार, पहली शक्ति हमारी क्या कहती है भैया, स्टिल्थ, यानी कि आपको एक गिली सूट मिलेगा। दूसरा लेवल यानी कि आपके इर्द गिर्द, मिनी मैप को ध्यान से देखो, आपको एक हल्का सा सर्कल दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी लाल हो गया, मतलब जैसे ही बंदा आपके करीब आएगा ना तो ये सर्कल लाल हो जाएगा, तो इससे आपको एक अलर्ट मिलेगा कि भाई बंदा है यहाँ पे, भाई बच के रहो, मतलब कोई कैम्प कर रहा है तो भाई आप क्या करो, भाई घुसो उसके साइड में, और लाल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई इर्द गिर्द बंदा है। तो मतलब सारे हैकर बना दिए पबजी वालों ने यार हम लोग को, समझ रहे हो, हैकर बन गए। अब यहाँ पर देखो यार, बंदा जैसे ही, ये बॉट जैसे ही मेरे को मारना कम करता है तो मेरी जो हेल्थ है वो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसके दूर भाग रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी हेल्थ देखो, एक हरा हरा आएगा कुछ और मेरी हेल्थ बढ़ने लगेगी, ये इसका तीसरा लेवल का फायदा है, ठीक है। तीसरी शक्ति के तीसरे लेवल तक अगर आपने अपग्रेड कर लिया है तो आपकी हेल्थ देखो कैसे बढ़ रही है, देखो ये देखो भाई, बहुत ही स्लो बढ़ती है, बट भाई अगर कुछ नहीं है तो भाई बहुत कुछ है ना यार, ये तो बहुत स्लो बढ़ रही है तो क्या दिक्कत है भाई, बढ़ तो रही है ना। और जो पहला लेवल है इस शक्ति का, यानी कि तीसरी शक्ति का, सर्वाइवर का पहला जो लेवल है स्टिल्थ, उसका क्या यूज़ है, आप कंफ्यूज होंगे ना, तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ। अगर इस बटन को आप लोग दबाते जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो आपको क्या होता है कि भाई आपको एक गिली सूट मिलता है, ठीक है। वो गिली सूट आपको क्या करना है भाई, पहनना है, और आप उसका शायद यार ज़्यादा फायदा नहीं है, मेरे को नहीं लगता। देखो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सामने की तरफ बंदा है, मैंने बटन को दबाया और ये देखो पहनना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। देखो गिली सूट पहन तो लिया, लेकिन यार ये गायब हो जाएगा या फिर गिली सूट बस ऐसे ही शो ऑफ के लिए दिया, मेरे को सच में नहीं पता, आप मेरे को यार कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये यार ये यही था अपडेट, और इस अपडेट में यही कुछ है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट जोन कहाँ बन रहा है वो पता चल जाएगा, नेक्स्ट ड्रॉप कहाँ पे गिरेगा वो पता चल जाएगा, बंदे कहाँ पे वो पता चल जाएगा, तो भाई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। तो चलो यार उसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत पहले ही जानना चाहिए था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे खास बात इस अपडेट के बारे में। तो गाइज, क्लाउन स्ट्रिक, ये एक क्लाउन की दुकान है। देखो 20 आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जोकर वाले, जोकर की मुंडी वाले। तो यहाँ पर जब आओगे तो आपको एक ठेला दिखाई देगा जो कि जोकर बाबा ने लगाया है, और इस ठेले के अंदर एंट्री करने पर आपको एक शॉप दिखाई देगी। क्लिक किया क्लाउन शॉप पे, और देखो शॉप अपनी ओपन हो गई है। यहाँ पर आप लोग हेलमेट ले सकते हो, बैग ले सकते हो, M4 ले सकते हो, मतलब अलग अलग दुकान पे अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है भैया, मैप है। और ये कॉइन आपको कहाँ से मिलेगा, कहीं भी आपको मिलते रहेगा। तो देखो मैप को देख लो, कुछ नहीं है ना मैप में। अब क्लाउन शॉप पे मैंने क्लिक करा, मैप में जाता हूँ, ए भाई चल हो जा, खरीद लिया। खरीदने के बाद देखो मैं मैप ओपन करूंगा तो देखो क्या हो गया, पीली कलर का एक हल्का सा छोटा सा सर्कल बन गया। तो यार ये आपको बताएगा कि भाई नेक्स्ट जोन यहाँ पे बनने वाला है। तो आप लोग बताओ कि अगर आपको पता चल गया भाई नेक्स्ट जोन यहाँ पे बनेगा तो भाई क्या ही तबाही मचने वाली है। दूसरा जो था वो ड्रॉप था, तो ड्रॉप भी मैंने खरीद लिया, और यहाँ पर देखो ड्रॉप का निशान आ गया मेरे को, पीला 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 पीला, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि भाई नेक्स्ट ड्रॉप कहाँ पे बनेगा, तो भाई बहुत गंदी वाली कैंपिंग होने वाली, जब सबको पता चल जाएगा कि ड्रॉप यहीं पे है, तो ड्रॉप हंटिंग क्या ही होगी भाई साहब, मतलब क्या ही बोले। अब गाइज आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि तीसरी शक्ति क्या है। तो देखो यार ये शक्ति इसलिए है, इसको अगर आप लोग खरीदते हो गोल्डन कॉइन से तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हैं कहाँ पर, मतलब फाइट कहाँ पे चल रही है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फाइट कहाँ पे चल रही है, बंदे निपट कहाँ रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा फाइट कहाँ पे चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ लाल 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 लाल, हल्का सा लाल होगा, रेड जोन इतना लाल नहीं होगा, हल्का सा लाल होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सारे के सारे बंदे बॉट है, इसलिए आपको कुछ नहीं पता चल रहा। तो अब बग्गी लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई अपना जो ड्रॉप है वो वहीं पर आएगा या फिर नहीं। तो देखो यार प्लेन तो जा रही है मेरे सर के ऊपर से, चेक कर लेते हैं कि भाई बराबर जा रही है या फिर नहीं। देखो बराबर जा रही है भाई साहब, मतलब 100% सही बात है। चलो यार चेक कर लेते हैं, मैप में मैंने निशान तो लगाया ही है, और काफ़ी करीब हम लोग आ चुके हैं, ड्रॉप गिरना शुरू हो चुका है। ओ भाई 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 भाई, चेक कर लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। ओ भाई साहब देखो यार, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी, बता रहा हूँ, मतलब क्या चाहिए भाई। अब भाई बहुत ही तबाही मचने वाली है अब गेम में। और गाइज अब मैं आपको बता दूँ कि जो नया अपडेट है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यार जाओ डाउनलोड कर लो, ग्लोबल का लिंक है, कोरियन ओरियन भाई देखो, टका टक टपा टप जो भी ऐप रहता है उससे डाउनलोड हो जाता है। अब जोन की बारी है, देखते हैं यार जोन बनता है सही जगह पे या फिर नहीं। पीली पीली लाइन हम लोग को दिख रही है, जोन कहाँ पे बनने वाला पता है, लेकिन देखते हैं क्या हाल होता है भाई। जोन बन जा वहीं पे, बन जा, बन गया भाई, देखो यार
भाई सब पता चलने वाला है भाई, ये पूरा हैकर वाला अपडेट है, मैं सच बता रहा हूँ हैकर वाला ही अपडेट है। आपको अपडेट कैसा लगा? वैसे गाइस एक नया मैप आने वाला था जो कि शायद अभी अनलॉक नहीं हुआ है, सीजन 18 में अनलॉक हो जाएगा, मतलब नया सीजन जब आएगा तो अनलॉक हो जाएगा, जिसका नाम है काकारीन। मेरे को तो यार मीरा मैप का छोटा भाई लगता है ये। वैसे आपको वीडियो अगर पसंद आए तो यार एक लाइक इस वीडियो को जरूर करना। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही था, आपने जो वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी जैसे ही काराकुरीन मैप आ जाएगा मैं एक गेम प्ले डाल दूंगा, बाकी अभी तो यार कल सुबह एक जबरदस्त सा गेम प्ले डालूंगा नए अपडेट का, मतलब नए मोड में थर्ड एनिवर्सरी में गेम खेल के। तो थर्ड एनिवर्सरी का गेम प्ले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो आईएनडेखिल चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन सारे के सारे बंदे ऑन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।